हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसमें हमारे कंटेंट्स होंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्शन एंड रीस्टोरेशन टेक्निक्स। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हम बायोलॉजिकल डाइवर्स जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, उनको उनके आइदर नेचुरल हैबिटेट में या फिर नेचुरल हैबिटेट के जैसा एक हैबिटेट बनाकर हम इन इंडिविजुअल्स को कंजर्व करने की, संरक्षित करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखो बायोडाइवर्सिटी इन्वेंट्रीज बनाते हैं, जो कि ATVI, जिसे हम कहते हैं ऑल टेक्सा बायोडाइवर्सिटी इन्वेंट्री। इसमें हम जितने भी बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, वो किस एरिया के हैं, किस पार्क में उन्हें रखना है, किस रिजर्व से रिलेट करते हैं या रिसर्च एरिया क्या है उनका, ये सारे हम जो भी आइडेंटिफिकेशन है करने के बाद इनका एक डॉक्यूमेंटेड वर्जन बनाते हैं, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी इन्वेंट्रीज कहते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के लिए हम जो प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स बनाते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक इन सीटू कंजर्वेशन, जिसमें हम नेचुरल हैबिटेट में ही एनिमल या प्लांट को कंजर्व करेंगे, जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई और फॉरेस्ट रिजर्व हो गए। वहीं एक्स सीटू कंजर्वेशन, जिसमें कि हम नेचुरल हैबिटेट जैसा एक हैबिटेट बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल मीडियम होगा एक, जैसे सीड बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, ये सब। रिस्टोरेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हमें एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज की एजुकेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जो भी हमारे एनवायरनमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेजिस्लेशंस हैं, नियम कानून, उनको बहुत तगड़ा बनाना पड़ेगा, ताकि जो भी अगर बायोडायवर्सिटी को लॉस पहुँचाए उसे हम सजा दिलवा सकें। वहीं पॉपुलेशन कंट्रोल और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को रिव्यू करना, अर्बनाइजेशन को कंट्रोल करना, ये सब इश्यूज भी यहाँ पे रिस्टोरेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी में हेल्प करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम जीन बैंक बना सकते हैं, DNA बैंक बना सकते हैं या क्रायो प्रिजर्वेशन मैथड अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हम बायोडायवर्सिटी को रिस्टोर कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करें तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं लैंड या सी के, जिनमें की प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस दी जाती है बायोडायवर्सिटी को। तो ये तो उनके नेचुरल कंडीशन में भी कर सकते हैं या फिर हम किसी पर्टिकुलर कल्चरल एरिया में या रिसोर्सेज में भी हम उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं आपके जो एरियाज इसके अंडर आते हैं वो है नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब आते हैं। तो हम प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो वर्ल्ड वाइड 3044 नेशनल पार्क्स आर देयर एंड 701 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर। वहीं हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 104 नेशनल पार्क्स आर देयर, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर। वर्ल्ड कन्वेंशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर ने 245 कंट्रीज और टेरिटरीज वर्ल्ड वाइड जो हैं उनकी 2 लाख से ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं अभी तक रिकग्नाइज किए हैं। वहीं हम बात करें इंडिया की तो इंडिया ने भी बहुत सारे बायोडायवर्सिटी के फेवर में एक्शन लिए हैं, जैसे कि अपनी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया से 4.7% लैंड एरिया को कंट्री ने इन सीटू कंजर्वेशन के लिए फिक्स किया हुआ है। वहीं हम इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च की बात करें तो इन्होंने 309 फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन प्लॉट्स जो हैं वो बनाए हैं अलग अलग जंगलों में, ताकि जो है वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी हम कर सकें। वहीं हम वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की बात करें तो उन्होंने हमारी कंट्री के 15 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला है। तो 15 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती हैं वो हैं सब क्लस्टर्स ऑफ वेस्टर्न घाट, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, वाइल्ड एस सेंचुरी, नामधापा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, भीतर कनिका नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी, डेजर्ट नेशनल पार्क एंड रिवर आइलैंड ऑफ माजुली।
इको डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जो इन सीटू कंजर्वेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसमें लोकल कम्युनिटीज़ की हेल्प से हम इकोसिस्टम को या बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन और प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो इससे डबल बेनिफिट होते हैं, एक इकोलॉजिकल बेनिफिट, दूसरा इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट होता है लोकल कम्युनिटी को क्योंकि उन्हें सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है, और इकोलॉजिकल बेनिफिट होता है बायोडाइवर्सिटी को क्योंकि उनको मेंटेनेंस और प्रिजर्वेशन का माध्यम मिल जाता है लोकल कम्युनिटी के थ्रू। तो दिस इज कॉल्ड इको डेवलपमेंट। बेनिफिट्स की बात करें प्रोटेक्टेड एरियाज की, तो यहाँ पे जो नेटिव स्पीसीज है या जो लोकल स्पीसीज है या उनकी सब स्पीसीज जो है उनकी संख्या जो है बढ़ जाती है प्रोटेक्टेड एरियाज में। क्यों? क्योंकि उनकी मृत्यु दर जो है यहाँ पे घट जाती है और उनका खतरा जो होता है उनके जीवन के ऊपर वो भी कम होता है। तो ना सिर्फ यहाँ पे नंबर्स जो है इंडिविजुअल स्पीसीज के बढ़ जाते हैं बल्कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है कम्युनिटी में वो भी बढ़ जाता है और उनका हैबिटेट जो है वो भी बड़ा हो जाता है, और साथ साथ में उनका जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो भी कंजर्व हो जाती है। ह्यूमन इंटरफेरेंस क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तो साथ साथ में कोई भी एलियन स्पीसीज जो है या कोई भी बाहरी स्पीसीज जो है वो इंटर ना हो जाए प्रोटेक्टेड एरिया में, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। और स्पीसीज और हैबिटेट के बीच में म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है वो भी अच्छी रहे, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो एक स्पीसीज अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग, अपने जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग अपने रिस्पॉन्स को और अपने हैबिट्स को चेंज करती रहती है। तो ये जो है इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस या फिर किसी और स्पीसीज का इंटरफेरेंस जो है कम से कम नज़र आता है। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं प्रोटेक्टेड एरियाज के। प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन टेक्निक्स की बात करें तो यहाँ पे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फॉरेस्ट रिजर्व, जूलॉजिकल पार्क्स या बॉटनिकल गार्डन्स जो है वो बनाए जाते हैं ताकि हम अपने वाइल्ड एनिमल्स और उनके हैबिटेट्स को जो है प्रोटेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज के फॉर्म में होते हैं। जैसे नेशनल पार्क की बात करें तो ये कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू बनाए जाते हैं, जहाँ पे कि आपके जो भी बायोडाइवर्सिफाइड एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनको हम कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो है विजिटर्स आ सकते हैं अपने स्टडी, कल्चरल, रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए आ सकते हैं, और लेकिन यहाँ पे जो है जानवरों को चराना और शिकार करना जानवरों का या फिर वाइल्ड लाइफ को कुछ भी नुकसान पहुंचाना अलाउड नहीं होता है। वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बाउंड्रीज जो है वो लिमिटेड नहीं होती है कि एक ही स्टेट में हो, इसकी बाउंड्रीज की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी जा सकती है, जहां जहां तक वाइल्ड लाइफ का नेचुरल हैबिटेट है वहां तक इसकी बाउंड्रीज होती है। और ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिन्हें हम वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहते हैं, यहाँ पे फिर वही मारना और शिकार करना या फिर जानवरों को पकड़ना ये अलाउड नहीं होता है, और इसके खिलाफ सख्त से सख्त यहाँ पे कानून जो है लगाया जाता है। और वहीं हम देखें तो यहाँ पे फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को परमिशन होती है। सिर्फ विजिटर्स जो हैं वो अलाउड होते हैं लेकिन सिर्फ वही जो एजुकेशनल या रिसर्च पर्पज़ के लिए यहाँ जाते हों। फॉरेस्ट रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये वो एरियाज होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, इनकी बाउंड्रीज स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और यहाँ पे जो है हंटिंग और ग्रेजिंग जो है वो अलाउड नहीं होती है लेकिन जो लोकल कम्युनिटी है वो यहाँ पे आ जा सकती है अपने जानवरों के लिए चारा लेने के लिए, और यहाँ पे जो है टूरिज्म अलाउड नहीं होता है। जूलॉजिकल पार्क्स की बात करें तो ये एक सी टू कंजर्वेशन का एग्जांपल है जिसमें कि विजिटर्स को आना यहाँ पे अलाउड होता है, और ये जो है एजुकेशन और कंजर्वेशन पर्पसेस के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी थ्रेटन्ड स्पीसीज है उनके लिए एक ऐसा हैबिटेट बनाते हैं जो उनके नेचुरल हैबिटेट जैसा हो, और वहाँ पे हम उन स्पीसीज को ब्रीड करवाते हैं और उनका केयर करते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स की बात करें तो ये प्लांट रिलेटेड जितने भी साइंटिफिक और एजुकेशनल पर्पसेस हैं वो सॉल्व आउट करता है। तो यहाँ पे हम लिविंग प्लांट को कलेक्ट करते हैं और उनको कंजर्व करते हैं, यहाँ पे जितने भी ड्राइड प्लांट्स हैं उनके हर्बेरियम बनाते हैं, साथ साथ में यहाँ पे लेक्चर रूम्स, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज ये सब भी साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। थैंक यू।